हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रिव्यू गेट स्मार्ट चैनल। जिसका डर था वही हुआ है झुंड मूवी के साथ। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया है कि झुंड का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा रिलीज़ होने से पहले, तो वही सारे जो फैक्टर्स थे वही सब इस मूवी को सक्सेस न बनाने के लिए मुझे लग रहा है अभी एक्टिव हो चुके हैं। मुझे दूसरा डर ये भी था कि क्या इस मूवी को इतने स्क्रीन्स मिल पाएंगे क्या, बट थैंक गॉड कि एटलीस्ट टी सीरीज़ का बैनर है तो उसके वजह से स्क्रीन्स न मिलने वाला इशू तो रिजॉल्व हो गया। बट अगर इस मूवी में टी सीरीज़ नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गोविंदा जी को भी स्क्रीन्स मिलने के इसमें बहुत इशू आते थे। तो आप देख रहे हैं कि एक जो वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ जहाँ पे आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है, उसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा जो बॉलीवुड है। यहाँ पे एक अननोन डायरेक्टर के तरफ से अमिताभ बच्चन को लेके इतना बड़ा मूवी बनाने का कोशिश किया गया और स्टोरी भी इतनी ज़बरदस्त है, म्यूज़िक इतना अच्छा है, बट फिर भी आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर कोशिश यही की जा रही है कि निगेटिव तरीके से रिव्यू दिया जाए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मूवी हर एक एंगल से बहुत अच्छी है। माना कि मूवी स्लो है, आराम से 50-20 मिनट्स इसका एडिटिंग किया जा सकता था, लेकिन वो एक रीज़न नहीं होना चाहिए कि मूवी अच्छी नहीं है। अब जैसे कि बाकी के जितने भी यूट्यूबर्स चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े नाम वाले जो चैनल्स हैं, वो बिल्कुल भी इस मूवी का सही से रिव्यू नहीं दे रहे, और जो छोटे मोटे चैनल्स हैं वो सही में इन्होंने काफ़ी मूवी की तारीफ की हुई है। नहीं मतलब हम चाहते क्या है, इतना कम मूवी ने बिजनेस किया है पिछले 2-3 दिन में कि शर्म आ जाती है कि घटिया से घटिया सलमान खान की मूवीज़ आके 200-300 करोड़ का बिजनेस करके जाती है जिसमें कुछ कंटेंट नहीं होता है। मतलब कब तक हम वही वही बेवकूफ़ी वाले पिक्चर देखते रहने वाले हैं? प्यार मोहब्बत ठीक है, मतलब आज तो ऐसा हो गया है कि एक ढंग की लव स्टोरी तक नहीं मिल पा रही है। जैसे एक अतरंगी मूवी आया था उसमें भी लोगों ने उसका काफ़ी निगेटिव रिव्यू दे दिया। भाई बॉलीवुड में बन क्या रहा है इस समय, हमें वो तो देखना चाहिए ना। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो मूवी आई है वो कितनी सही है, राइट? तो मतलब बॉलीवुड अगर हम नाम बोले हम भी महीनों निकल जाते हैं एक ढंग का गाना आते हुए, कोई गाना नहीं है जिसको मॉर्निंग में बजा के हम उसका सही से एंजॉय कर सके। वही बादशाह, वही पंजाबी बेवकूफ़ी भरे गाने आए रहे, अभी गुरु रंधावा का वापस से नया गाना आ चुका है। अरे भाई नहीं सुनना हमको वो सब, क्वालिटी म्यूजिक कहाँ है? जो 90s का इंडी पॉप हुआ करता वो गायब हो चुका है। सोनू निगम को कोई नहीं ले रहा है, शान को कोई नहीं ले रहा है। इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स होने के बाद भी म्यूज़िक सॉन्ग्स अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम में ही प्रॉब्लम है, हम ही अच्छे कंटेंट को सही से प्रमोट नहीं करते। जो थिएटर वाली मूवीज़ है तो उनको हम मोबाइल पे देख लेते हैं। अगर ऐसे ही चलते रहने वाले तो फिर प्लीज़ बॉलीवुड और इन सबको गालियाँ मत दो, प्रॉब्लम हमारी इसमें ही है। अभी रिसेंटली मूवी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, कौन वो शेफाली वैद्य करके, भाई कौन है वो, कौन जानता है उनको महाराष्ट्र के बाहर? मतलब इवन महाराष्ट्र में भी कौन जानता है उनको? वो क्रिटिसाइज़ कर रही है कि इतना अगर इशू था आपको अपर कास्ट के लोगों से तो फिर अमिताभ जी को लेके मूवी क्यों बनाई? भैया आपको मूवी के बारे में क्या पता है, क्या जानते हैं आप? मराठी इंडस्ट्री इतने सालों से चल रही है, एक भी डायरेक्टर के पास ऐसी स्टोरी नहीं है, एक भी प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अमिताभ जी को लेके साथ में मूवी बना सके। अगर बनानी होती तो पहले ही बना दी होती। बट अगर कोई ढंग का कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर मराठी डायरेक्टर अगर बॉलीवुड में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको सपोर्ट करने के बजाय आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे। तो इसी तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला इशू चलता है ना, ये अपने कंट्री में है ही। कभी भी हम जैसे लोगों को किसी का प्रोग्रेस देखने की आदत ही नहीं है, उसकी टांग खींच के हम पीछे लेके आ जाएंगे। ये जो डायरेक्टर है पहले पिक्चर में नेशनल अवार्ड लेके आ रहे हैं, दूसरे इसमें कमर्शियल सक्सेस ला रहे हैं, और थर्ड इतना अच्छा सोशल मैसेज दे रहे हैं इस मूवी के थ्रू, फिर भी हमें उसमें इशू है? अरे भाई मुंह बंद रख के एक बार मूवी देख के तो आ जाओ ना। हर तरफ आपको ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ये सब कुछ चीज़ें लानी ही है क्या? तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी हमारे सारे व्यूअर से कि प्लीज़ ये मूवी थिएटर में देखिए। मैं तो 2 बार देखने जाने वाला हूँ, पहली बार तो मैं इसलिए देखा कि भाई स्टोरी क्या है, मूवी कैसी बनी है, म्यूज़िक कैसा है, और अभी सेकंड टाइम मैं इसलिए जाने वाला हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है ना, जो पहली बार देखने में मिस हो जाती है, वो चीज़ देखने के लिए मैं दोबारा जाने वाला हूँ। अगर आप भी हो सके तो प्लीज़ ये मूवी थिएटर में 2 बार देखिए, क्योंकि बाकी के फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मूवी बिल्कुल भी ना चले और निगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है इस मूवी के प्रति कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाकी के जितने मूवीज़ बन रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये मूवी लाख गुना अच्छी है आज के डेट में। इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है, एक्टिंग
हाँ अमिताभ जी को इतना ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, बट इट्स फाइन क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग। सो कंटेंट देखने जाइए, बच्चों की एक्टिंग देखने जाइए, बाबू जो करके कैरेक्टर है क्या बढ़िया एक्टिंग किया है, एक एक जो स्लम के बच्चे हैं बहुत मस्त एक्टिंग की हुई है। प्लीज़ प्लीज़ थिएटर में जाके मूवी देखिए, आप बहुत एंटरटेनिंग है। थैंक यू।